हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल, दिस इज प्रदीप नायक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज कैलकुलस में हम पढ़ने वाले हैं लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कॉम्पिटिटिव एज वेल एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू वर्ड द कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, पहले लिमिट्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा मीनिंग, मीनिंग ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए। देखो इसको कैसे रीड करते हैं, ये जो साइन है इसको अप्रोचेस कहेंगे, एक्स अप्रोचेस टू ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, क्योंकि यहां पर जब हम लिमिट पढ़ेंगे तो बार बार ये टर्म आती रहेगी, एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स अप्रोचेस टू टू, एक्स अप्रोचेस टू थ्री। तो देखिए एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स इज, x इज नॉट इक्वल्स टू a। इसका मतलब है x a के इक्वल नहीं है, x इज नॉट इक्वल्स टू a, बट x इज वेरी क्लोज टू a। लेकिन x a के बहुत नजदीक है, यानी x की जो वैल्यू है ना वो a के नजदीक है, नॉट इक्वल्स टू a। क्लियर, मतलब मान लो अगर x अप्रोचेस टू टू है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है वो टू के नजदीक है। टू के नजदीक दो तरह से हो सकता है, कैसे, देखो 2 से इस तरफ क्या, 2 से उस तरफ। मान लो 2 के बहुत ही नजदीक में अगर एक नंबर लेता हूं वो है 1.9, और 2 के नजदीक एक और नंबर भी है उस तरफ से 2.1। देखो दोनों ही नंबर 2 के नजदीक हैं, तो इसके बेस पे हम लिमिट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिखते हैं, मान लो आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, उस फंक्शन के साथ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स अप्रोच, देखो अगर 2 से कम है तो उसको नेगेटिव लिमिट बोलेंगे, टू नेगेटिव ऐसा लिखूंगा, एंड सिमिलरली पॉजिटिव साइड वाली उसको राइट हैंड साइड, देखो दो से थोड़ा सा ज्यादा मतलब, दो से थोड़ा सा ज्यादा मतलब पॉजिटिव, तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव लिमिट, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू पॉजिटिव, उस फंक्शन के साथ, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और लिमिट को इस तरह से लिखा जाता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू नेगेटिव, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब दो से थोड़ा सा ज्यादा है ना, और नेगेटिव मतलब दो से थोड़ा सा कम। ये जो पार्ट है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, इसको हम कहाँ यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे जब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पूछा जाए कि लिमिट इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, या फिर जब आप कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, जब भी हमने शो करना है एक फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है, तो वहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पार्ट हम वहां पे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम शुरू करने वाले हैं लिमिट्स के डिफरेंट मैथड्स। तो सबसे पहला जो मेथड है लिमिट्स के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो है डायरेक्ट, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व द लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन। तो लेट्स स्टार्ट, मान लो आपके पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस वन, ये कोई फंक्शन है, और देखो लिमिट्स को कैसे लिखते हैं, इसके साथ लिखा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से, तो यहां पे जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको क्या करना है, जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर x का 2 भर देंगे, तो x का 2 पुट कर दो, यू विल गेट 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 1। तो जब आप सॉल्व करेंगे 2 स्क्वायर, 2 को दो बार मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 4 प्लस 5 टू जार 10 माइनस 1, और इसको फर्दर सॉल्व करो 10 प्लस 4 14 माइनस 1 इज 13, ये आपका आंसर होगा। अब जो ये आंसर, ये अप्रोक्सीमेट आंसर होता है, क्या ये अप्रोक्स होता है, इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इस फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू एट एक्स इक्वल टू टू। क्यों, क्यों है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने क्या बोला था, इधर मीनिंग क्या बताता है कि एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब क्या हो गया, एक्स ए के इक्वल तो नहीं है बट ए के बहुत क्लोज है। तो देखो हमने तो एक्स इक्वल टू टू ही भर दिया, इसमें सॉल्व किया, एक्स इक्वल टू टू के बेस पे ये सॉल्यूशन निकला है, लेकिन एक्स तो दो के इक्वल होना ही नहीं चाहिए, एक्स दो के नजदीक है या तो नेगेटिव साइड से या पॉजिटिव साइड से, जिसका मतलब मान लो ये 1.9 है, जब मैं यहां पर वैल्यू भरूंगा सॉल्व करके क्या आएगा, लगभग 13 के नजदीक आएगा। ठीक है, तो 13 के नजदीक आएगा इसका आंसर। उसी तरह से अगर मैं 2.1 भरता हूं, यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा भरता हूं, तब भी सॉल्व करके लगभग 13 के आसपास ही आने वाला है, इसीलिए मैं बता रहा हूं हमने क्या किया, यहां पे 2 एग्जैक्ट वैल्यू भरी है, बट 2 यहां पे, जब भी हम डायरेक्ट वैल्यू भरेंगे इट मींस यहां पर जो आंसर निकलेगा वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस का 1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 1, और यहां पर फंक्शन है मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2,
इसको सॉल्व करना, ये रैशनल फंक्शन है, एल्जेब्रिक में आता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भरो डायरेक्ट वैल्यू, ये आएगा माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, देखो यहाँ पर मैं वैल्यू भरूंगा माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन प्लस टू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस वन का स्क्वायर क्या हुआ प्लस का वन, माइनस वन डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस कितना आएगा वन, आपको माइनस करना पड़ेगा। ओके इट विल बी जीरो माइनस वन, यस द वैल्यू विल बी जीरो, जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो होता है, यस। तो इसको लिमिट के बेस पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज जीरो। तो जीरो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्स माइनस वन को अप्रोच कर रहा है लेकिन वन माइनस वन के इक्वल नहीं है। हमने सॉल्व तो माइनस वन के बेस पे किया, इसका मतलब अगर मैं माइनस वन से थोड़ी कम वैल्यू और थोड़ी ज़्यादा वैल्यू इसमें पुट करता हूँ तब भी लगभग जीरो के नज़दीक ही आने वाला है आंसर। तो इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल देखिए, जो ये फंक्शन है ना यहाँ पर, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ये एल्जेब्रिक है, ये रैशनल फंक्शन है, एल्जेब्रिक में ही आता है। फंक्शन कैन बी ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे साइन एक्स है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाय फोर, पाई बाय फोर हो गया 45 डिग्री। जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या बनने वाला है साइन पाई बाय फोर, यानी जहाँ एक्स है वहाँ पर पाई बाय फोर भर दो, पाई बाय फोर साइन पाई बाय फोर की वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट टू होता है साइन 45। तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले देखिए, कभी कभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के दौरान इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है। अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जैसे जीरो अपॉन जीरो आ गया, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली सिचुएशन आ गई, ये फिलहाल ये दो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगी आपके पास, ठीक है। अगर ये और ये सिचुएशन आती है उस केस में बाय एल हॉस्पिटल रूल जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का जो मेथड है वो फेल हो जाता है, तो आपको कोई दूसरा मेथड यूज करना होता है। लेट अस टेक वन एग्जांपल जहां पर फेलियर आता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन, जैसे x का स्क्वायर माइनस फोर ले रहा हूं, नीचे x माइनस फोर है, इधर लिमिट x सॉरी x माइनस टू लेता हूं, इधर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 आ रहा है, ठीक है। ये रैशनल फंक्शन है, इसमें हमने x अप्रोचेस टू 2 भरना है। तो देखिए आप वैल्यू पुट करूं 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 4 इज 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 इज 0, आ गया इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, आपने लिखना नहीं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में भी। तो बाय एल हॉस्पिटल रूल दिस मेथड फेल्स, जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ये फेल हो जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को क्या हम किसी दूसरे मेथड से कर सकते हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो मेथड है सेकेंड मेथड, या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं रैशनलाइजेशन मेथड, या फिर लास्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं सभी मेथड को। सबसे पहले फैक्टराइजेशन, क्या इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अगर इनडिटर्मिनेंट आता है। तो देखिए डायरेक्ट मेथड से आपके पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई, तो बाय एल हॉस्पिटल रूल यू कैन अप्लाई फैक्टराइजेशन। तो देखो क्या यहां पर फैक्टराइजेशन से यह सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल। जो ये क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, यहां पर जो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहां पर 4 को आप लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस टू, और इसको हम लीनियर फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी आपको फॉर्मूला पता होगा, और ए प्लस बी है ना, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो यहां पर ए एक्स था बी टू था, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे भी क्या है एक्स माइनस टू है नीचे, लिमिट एक्स किसको अप्रोच कर रहा है 2 को अप्रोच कर रहा है, ये और ये कैंसिल हो जाता है, नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 यहां बच रहा है एक्स प्लस 2। अब आप यहां पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, इधर वैल्यू भरो 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो ये आंसर आ गया रादर देन 0 अपॉन 0। तो ये है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है फैक्टराइजेशन। अगर आपके पास यहां पर कोई इक्वेशन दिया, इट में भी क्वाड्रेटिक हो सकती है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकती है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, यहां पर अगर उसके फैक्टर बन रहे हैं तो आप उसको फैक्टर उसके फैक्टर करो, फैक्टर करने के बाद कुछ पार्ट कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आप फिर से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो एंड यू विल फाइंड द रिक्वायर्ड रिजल्ट नॉट इन डिटा, ठीक है। ओके लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, मान लो आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3। ओके ये क्वेश्चन है, यहां पर भी अगर हम
डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करें तो आपके पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगी, देख लो, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करके देख लो जी। जैसे आप इसको डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करेंगे यू विल गेट जीरो का, सॉरी, यानी जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पर आपको थ्री भरना है बेटा, तो भरो थ्री का स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री माइनस फिफ्टीन। ओके, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पर आपको क्या करना है, थ्री सब्सटीट्यूट करना है। और इधर भी भरो थ्री का स्क्वायर माइनस नाइन, व्हाट यू विल गेट, थ्री स्क्वायर नाइन हो जाता है प्लस फाइव, थ्री टू जार सिक्स माइनस फिफ्टीन डिवाइडेड बाय नाइन माइनस नाइन, यू विल सी नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन, फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन जीरो, जीरो अपॉन जीरो, तो इट मीन्स इट इज इनडिटर्मिनेट। तो आपके पास ये क्या आ जाता है, ये आ गया इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अगर फिर से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है तो आपको मैंने पहले बताया, तो आपको क्या करना है, दिस इज केस ऑफ फेलियर, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बाय एल हॉस्पिटल रूल। ये क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ चुकी है, तो बाय एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंगली आपको इसको करना है किसी दूसरे मेथड से। तो फिलहाल हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, तो यहां पर क्या फैक्टराइजेशन हो सकता है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो फैक्टराइजेशन हम सिर्फ वहीं पे यूज करेंगे जहां फैक्टर बन सकते हैं, हो सकता है फैक्टर बने ना, अगर फैक्टर नहीं बन रहे तो देन वी विल गो फॉर द फॉर्मुला मेथड, फॉर्मुला मेथड, यानी अगर कोई फॉर्मुला बन रहा है तो फॉर्मुला अप्लाई करेंगे, नहीं बन रहा है तो हो सकता है रैशनलाइजेशन वाला पार्ट है, अगर रैशनलाइजेशन भी नहीं हो रहा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, किसी ना किसी एक मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। ओके, तो फिलहाल देखते हैं फैक्टराइजेशन क्या, यहां पर फैक्टराइजेशन हो सकती है जी, बिल्कुल, लिमिट यहां पे देखिए, जो ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन है, इसके फैक्टर बन सकते हैं। आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 15 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए है और 2 प्लस माइनस करके, तो इजीली हो जाएगा भाई, आप यहां पर इजीली इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। 5 3 15 है ना, और 5 माइनस 3 2 भी हो गया, तो करो आप क्या लिखेंगे इसको, एक्स का स्क्वायर प्लस, यहां पर 2 को आप ब्रेक करके लिखेंगे, 2 को कैसे लिखेंगे आप, 5 माइनस 3, देखो 2 को मैंने क्या किया, 5 माइनस 3 लिखा और बाहर x माइनस 15, तो यहां से x का स्क्वायर प्लस 5, x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, माइनस का 3x माइनस 15, अब यहां से कॉमन आएगा x अंदर बचेगा x प्लस 5, सिमिलरली 3 कॉमन ले लो, x प्लस 5 बच रहा है अंदर, ये और ये कॉमन निकाल दो जी, x प्लस 5 और x माइनस 3, तो ये लीनियर फैक्टर आ गया इसके, तो हम क्या करेंगे, एंड सिमिलरली ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को भी सॉल्व करो, एक्स का स्क्वायर माइनस नाइन को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो आप अप्लाई करो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो देखो ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर। नाउ अब शुरू करते हैं, देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, देखो इसका लीनियर फैक्टर हमने यहां पर फाइंड आउट कर दिया, यानी इसके जो फैक्टर है वो हम यहां पर फाइंड आउट कर चुके हैं, वो है एक्स प्लस 5 और x माइनस 3, ठीक है, यानी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल आ गया, एंड सिमिलरली x स्क्वायर माइनस 9, जो x स्क्वायर माइनस 9 था ये किसकी इक्वल आया, x माइनस 3 एंड x प्लस 3 के इक्वल। नाउ x माइनस 3 x माइनस 3 कैंसिल हो गया, कैंसिल, अब देखो क्या बचा, अब आपके पास बचता है लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x प्लस 5 बच रहा है न्यूमिरेटर में और डिनोमिनेटर में आपके पास बच रहा है x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 5 और x प्लस 3, अब वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा 3x की जगह 3 आएगा प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 8 अपॉन 6, इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 4 बाय 3, ये आंसर आएगा, 2 के टेबल से 4 2 8 3 2 6, क्लियर है, तो ये है फैक्टराइजेशन मेथड, क्लियर है। देखिए अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आने वाला, ठीक है, आपको क्या करना है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रांग बनाना है तो आप नायक सॉल्यूशन में आकर स्पेशल क्लासेस ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स वो ज्वाइन कर सकते हैं, आप बड़े बच्चे हो भी, बड़े बच्चों को विद इन आई थिंक एक महीने के अंदर अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स के, वो क्लियर हो सकते हैं, तो आप आएँ और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करें, ठीक है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बनाएं, अदरवाइज मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ओके, तो ये था फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अगर फेल होता है तो हम फैक्टराइजेशन से ऐसे सॉल्व करते हैं, क्लियर है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रैशनलाइजेशन, फॉर्मूला मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, फॉर्मूला मेथड में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो हम मैं चाहता हूं कि वो मैं एक ही वीडियो में कवर करूं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड हम साथ में करेंगे। फिलहाल अभी रैशनलाइजेशन कैसे क्वेश्चन को हम रैशनलाइजेशन से सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहां पर एक एग्जांपल लिया है मैंने, रैशनलाइजेशन खास करके वो क्वेश्चन जहां पर अंडर रूट मिले आपको, अंडर रूट दिखे, तो वहां पर ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि जो क्वेश्चन सॉल्व हो वो रैशनलाइजेशन से होगा। पहले तो हम वही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे, यहां पर एक्स अप्रोच टू जीरो है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में जैसे 4 प्लस 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0, तो यहां पे अंडर रूट 4 माइनस 2 अपॉन 0 आ जाएगा, अगले स्टेप में 2 माइनस 2 अपॉन 0, क्योंकि अंडर रूट 4 2 के इक्वल होता है 0 अपॉन 0, इट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। वंस अगेन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आई है, तो अब क्या करें भाई, तो अब हमें यहां पर फैक्टराइजेशन तो यूज नहीं हो सकता है, तो हम यहां पे यूज करेंगे रैशनलाइजेशन, अंडर रूट वाला क्वेश्चन है मैंने आपको बताया, तो देखिए रैशनलाइजेशन हम कैसे करेंगे, यहां पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर
अगर अंडर रूट न्यूमिरेटर में है तो रैशनलाइजेशन न्यूमिरेटर की होगी, अगर डिनोमिनेटर में है तो रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर की होगी। लेट्स सी, यहां पर देखिए क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो अंडर रूट फोर प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से जीरो अपॉन जीरो यानी इंडिटर्मिनेट फॉर्म आती है, तो बाय एल हॉस्पिटल रूल आपको कोई दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने अप्लाई करना है रैशनलाइजेशन। तो ओके, तो हम रैशनलाइजेशन किसकी करेंगे, न्यूमिरेटर की। यहां पर है अंडर रूट फोर प्लस एक्स माइनस है तो प्लस का टू लिखना है, जब भी रैशनलाइजेशन करते हैं अंडर रूट फोर प्लस एक्स माइनस है तो प्लस का टू, जो आपने ऊपर लिखा वही नीचे लिखना है एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखिए रैशनलाइजेशन के दौरान क्या होता है, इधर फॉर्मूला बनता है a माइनस बी ए प्लस बी वाला, जो किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, देखिए इसके इक्वल होगा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये पूरा a कंसीडर करके चलो, ये b, a और b, तो क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो ये बन जाएगा 4 प्लस अंडर रूट फोर प्लस एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा कंसीडर करके चलेंगे हम a, इसको कंसीडर करके चलेंगे b, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे x मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट फोर प्लस एक्स प्लस टू। अब इसको सॉल्व करते हैं, इट विल बी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, और ये देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, इट विल बी फोर प्लस एक्स आ जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर भी फोर हो गया, डिवाइड बाय नीचे है एक्स अंडर स्क्वायर रूट सॉरी एक्स इंटू फोर प्लस एक्स प्लस टू, इसको एज इट इज रहने देना। ठीक है, अब टू फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा ऊपर, व्हाट वी विल लेफ्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, ऊपर बचता है एक्स और नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर रूट ऑफ फोर प्लस एक्स माइनस सॉरी प्लस टू ये। ठीक है, अब देखो यहां एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वंस अगेन आपके पास अब क्या बच रहा है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बचता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर वन बच रहा है और नीचे आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ फोर प्लस एक्स प्लस टू। ओके, अब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, जैसे आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे यू विल गेट, क्या आएगा आपके पास, देखो मैं ऊपर को लिख लेता हूं, यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, क्या आएगा जब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ फोर प्लस जीरो हो जाएगा एंड प्लस टू, एंड इट विल बी वन अपॉन अंडर रूट फोर प्लस जीरो इज अंडर रूट फोर प्लस टू, जो फर्दर इक्वल होगा अंडर रूट फोर आपको पता है टू की इक्वल होता है प्लस टू, एंड फाइनली आपका जो आंसर होगा वन अपॉन फोर, ये आंसर आएगा आपका। तो पहले क्या रहा था जीरो अपॉन जीरो, लेकिन जैसे हमने रैशनलाइज किया और आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो वन बाय फोर आता है। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एक्स अपॉन अंडर द रूट वन प्लस एक्स माइनस वन। देखिए यहां पर भी अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हो तो ये जीरो अपॉन जीरो वाली सिचुएशन आएगी, बेशक आप ट्राई करके देख लेना। तो बाय एल हॉस्पिटल रूल इट इज अ सिचुएशन ऑफ जीरो अपॉन जीरो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अगर ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय एल हॉस्पिटल रूल यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग अ रैशनलाइजेशन। तो वन प्लस एक्स माइनस वन है तो रैशनलाइजेशन करो, अंडर रूट वन प्लस एक्स देखो अभी डिनोमिनेटर में है अंडर रूट, तो हम क्या करेंगे जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह लिखेंगे, लेकिन बीच में जो साइन माइनस है इसको चेंज करके डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब ये नीचे वाला देखो फिर से, जहां जिसका हम रैशनलाइजेशन करते हैं वहां हर बार ए माइनस बी ए प्लस बी वाला पार्ट बनता है, यानी ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेकर चलेंगे। देखो ये ए है ये भी है, तो हम इसको ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो हो गया, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज लिखिए आप, एक्स एज इट इज रहेगा उस तरफ क्या रहेगा, ये भी एज इट इज वन प्लस एक्स प्लस वन आ रहा है। ठीक है, अब नीचे यहां पर a माइनस बी ए प्लस बी ये फॉर्मूला अप्लाई करो, यह आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो x एज इट इज रहेगा अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई इधर आ जाएगा स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, वन प्लस एक्स बच जाएगा बेटा, है ना, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल ये बच गया और माइनस का वन, अब वन से वन यहाँ कैंसिल कर दो, यू विल गेट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ये एक्स हो गया और ये वन प्लस एक्स प्लस वन। क्लियर, देखो एक्स वन प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच रहा है आपके पास एक्स बच रहा है, अब जो ये एक्स है एक्स एक्स कैंसिल कर दो जी, ये हो गया कैंसिल, अब क्या बचा, अब बच रहा है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो आपके पास सिंपल वन प्लस एक्स प्लस वन बच रहा है, यहां पर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, ये बन जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स ये का जीरो भर दिया प्लस वन और अंडर रूट वन वन के इक्वल होता है प्लस वन, एंड फाइनली यू विल गेट ये आपका सॉल्यूशन होगा रादर देन जीरो अपॉन जीरो। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू अंडर रूट, यानी यहां पर हम रैशनलाइजेशन यूज करते हैं अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये थे दो तीन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन
हम किस तरह से करते हैं, अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल होता है तो हम कौन कौन से मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से हमने सिर्फ दो मेथड डिस्कस करे हैं, एक फैक्टराइजेशन और दूसरा रैशनलाइजेशन। तो नेक्स्ट फॉर्मूला मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको, ये जो लिमिट का कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व करें ये आपको ज़रूर समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें, और नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं फॉर्मूला मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एज वेल एज ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप प्लस वन में हो, प्लस टू में हो, बीएससी कर रहे हो या फिर बीसीए कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।